स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो मेरे स्टूडेंट जिनको मैंने 13 दिन गाड़ी सिखाई थी, मैं उनके साथ अपनी कार में वीडियो नहीं बना पाया किसी वजह से। तो आज वो अपनी कार खुद लेकर आके, 13वें दिन में मैंने उनसे बोला है कि अपनी कार लेकर आइए और चलाइए। तो वो लेकर के बोलेरो ये है। हेलो गाइस, वो संगीत जी जिनको मैंने आज से 12 दिन हो गए, आज इनको 13 दिन है मैंने इनको गाड़ी सिखाई। तो देखिएगा दोस्तों, ये अपनी कार लेकर आके बोलेरो, तो मैं इनको इनकी कार में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर पड़ती है तो देखिएगा मैं किस तरीके से सिखाता हूँ और ये किस तरीके से कार चलाते हैं। अगर आप पसंद आए तो प्लीज लाइक से रिकमेंड जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। भाई साहब कार दौड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हो है? रोड लिमिट के हिसाब से चला। हाँ, रोड लिमिट के हिसाब से बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्पीड लिमिट फिलहाल 70 है, तो 70 ही चल रही है गाड़ी। मीटर में भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया कार चला रहे हैं, मस्त बिल्कुल। मतलब वैसे तो मेरे पास ये 1 महीने के लिए आए थे, लेकिन ये 13 दिन में ही बढ़िया बन चुके हैं। इतने बढ़िया कि हम बता नहीं सकते इनको, गजब प्रो ड्राइवर, हैवी ड्राइवर है। जल्दी हैवी ड्राइवर के लाइसेंस अप्लाई करते हैं। बस इनका मेरा लाइसेंस भी अप्लाई करना है। लर्निंग तो बन चुका है इनका, क्योंकि सीखने के लिए लर्निंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब ये सीख चुके हैं तो इनका परमानेंट लाइसेंस, लाइट लाइसेंस इनका मैं अप्लाई करूंगा जब इनका 1 मंथ हो जाएगा। अभी इनके लाइसेंस बने हुए 13 दिन ही हो रहे हैं, तो जब मेरे पास आए थे तो मैंने इनका लाइसेंस अप्लाई कर दिया था। तो फिलहाल बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, गजब यार, मजा आ गया रियली यार। तो फिलहाल हम काशीपुर हाईवे हैं, रामनगर को जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि रामनगर ट्रैफिक में भी आपकी बोलेरो आप दौड़ाते हैं क्यों? जी बिल्कुल। तो मजा आ रहा है? बिल्कुल। कैसा लगा मेरा सिखाना? बढ़िया एकदम, फैंटास्टिक। चलो, कोई अभी भी अगर कोई दिक्कत होगी ना गाड़ी में तो बता देना भाई, सीखने में कोई अगर परेशानी होती है। वो कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे, देखो जितनी गाड़ी आप चलाते रहोगे ना उतना हो जाएगा, बस उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आज इनके पिताजी ने इनको गाड़ी दे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहा पिताजी ने, कुछ कहा गाड़ी देते हुए? सीधे ले जाओ, भरत भाई ने गाड़ी सिखाई तो ओके हो गए हो गए। इतना तो फिल्मदारे में चल रहा है मेरे नाम का यार, कि जिससे बोल दो कि दे दो गाड़ी दे ही देता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिएगा कि रामनगर ट्रैफिक में किस तरीके से कार चलाते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करना, एंड कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कार चलाते समय तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गुरु संगीत जी पहुंच चुके हैं रामनगर ट्रैफिक में, देखिए किस तरह कदर ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, गजब वाला, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बेहतरीन। और मैं तो हाइट में ऐसा लग रहा है हाथी के ऊपर बैठा पड़ा हूँ, अभी तक अल्टो में था मैं, तो ऐसा होता है ना एकदम। बहुत बढ़िया, देखिएगा दोस्तों कितनी अच्छी कार चला रहे हैं ये, बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट इतनी जल्दी कार सीख जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं। तो मेरा तो टारगेट यही होता है कि 13 दिन में फुल ड्राइवर बना दूं, लेकिन 1 मंथ का कोर्स होता है मेरा। लेकिन जब जो कोई 13 दिन में बन जाता है तो उनसे बोल देता हूँ कि आप जाइए, कोई जरूरत ही नहीं मेरे पास आने की। क्यों, क्या जरूरत है आपको मेरे पास आने की? अरे अब तो भैया जरूरत ही नहीं है, घूमने के लिए आना। किस कदर ट्रैफिक हो रहा है रामनगर में, बहुत गंदा ट्रैफिक जिसे बोल सकते हैं हम। इसका जजमेंट तो सारा आ रहा होगा, पूरा डैशबोर्ड भी पूरा दिख रहा होगा कहीं से कहीं। देखो दोस्तों बोलेरो में इतना फायदा है कि पूरा दिख जा रहा है। लेकिन रामनगर में आज इतना ट्रैफिक मैंने बहुत टाइम बाद देखा है, मेरी किस्मत में लिखा है। ये इनकी किस्मत है जो इनको इतना ट्रैफिक मिल गया, बहुत बढ़िया ट्रैफिक। चचा का देखो, देखो चचा का हॉर्न भी नहीं सुना, कानों में तो नहीं, कानों में एयरफोन जो डालते हैं लेकिन मास्क जरूर डालता है। लेकिन फिर भी यार लोगों को सुनाई नहीं देता यार, होता हॉर्न बजाने के बाद भी यार। बताओ यार और सुना फिर। ये देखो चिलगोजा, देखो ऐसे निकल के जाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट गुड, वेरी गुड। तो वैसे संगीतकार जी आपको जरूरत तो है नहीं हमारी यार, क्यों क्या लगता है जरूरत है? बीबी हम यहीं से राइट लेंगे। आपने हरी चिट्ठी दे दी तो समझो। हाँ हरी चिट्ठी मैंने दे दी है, बस स्पीड की मेरी कोई गारंटी नहीं होती भाई। देखो स्पीड में अच्छा अच्छों का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं भी अगर स्पीड में चलाऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है? तो स्पीड और ड्रिंक की मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये भाई साहब देखो
स्पीड और ड्रिंक की मैं कभी गारंटी नहीं लेता, बाकी आप 50 की स्पीड में भी बहुत अच्छी गाड़ी चला सकते हो। वैसे चलाने को देखो, स्पीड में जब इमरजेंसी हो या सड़क हो हाई स्पीड वाली तो आपको वो कर सकते हो, लेकिन आपको 50 से ऊपर कभी नहीं जाना है, ठीक है। इमरजेंसी वाली बात अलग है कि यार चलो ठीक है, कोई इमरजेंसी पड़ गई है। अब अगर इतना भी नहीं है कि शादी में जा रहा हो जल्दी में जा रहा हो, घर से जल्दी निकल जाओ, कि शादी के लेट हो रहे हो तो घर से जल्दी निकलो, क्यों। तो फिलहाल अभी हम हल्द्वानी बस अड्डे, यहाँ से बैराज, बैराज से फिर लखनपुर, लखनपुर से रामनगर, और ये किसी को लगे रहे। तो अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पर बैराज, और ये यहाँ पर भीड़ बहुत है आज, हर जगह ही ट्रैफिक ट्रैफिक। आज कुछ खास तो नहीं भाई, बुधवार है आज। ओए बेट बना मेरी गाड़ी में, घूमी अली हिट मेरी दागाड़ा, गुड वेरी गुड। तो दोस्तों ये रामनगर का बैराज है, यहाँ एक नया पक्षी आया है कल, क्या नाम है उसका, बतख का वो कुछ है वहां पर बैठा हुआ, यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन हम जूम करके दिखा सकते हैं। वे बैठे पड़े यहाँ पर, ये खूब सारे पक्षी बैठे पड़े हैं, तो कल अखबार में भी आया इनका, ये पक्षी बैठे हैं करके, कुछ नया पक्षी आ गया है यहाँ पर। गुड, हमने यहीं से राइट लेंगे भाई, गजब। गुड, तो फिलहाल ये अब यहाँ से जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया गाड़ी चलाएंगे डायरेक्ट। इंटरनेशनल स्टूडेंट, हल्के में मत लेना मुझे, हैं? चले गए यहाँ मेरे हाथ के से बहुत यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, कुवैत, मतलब मुझे खुद याद नहीं है यार कहाँ कहाँ चले चुके हैं, मैं यहीं का यहीं हूँ। गुड, बढ़िया। तो हम यहाँ से लखनपुर चुंगी पहुँचते हुए और रामनगर ट्रैफिक में एंट्री करेंगे। अब रामनगर में कितना ट्रैफिक है ये तो भगवान ही जाने। यहाँ से लेफ्ट लेंगे भाई, गुड। गजब ट्रैफिक है भाई, हैं? गुड, तीसरे गियर के लिए स्पीड ज्यादा है, वो पिकअप पकड़ती ना गाड़ी वाली। चाचा कैसे चल रहे, देखो मजा आ गया। चलो यार, बस जब कोई ड्राइवर बन जाता है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग ला देगा, क्योंकि कितनी एक जीरो लेवल के बंदे को इस स्टेज पे पहुंचाना है ना, बहुत मेहनत लगती है यार, पता, बहुत मेहनत सिखाने में। और गाड़ी सिखाना कोई बच्चों का काम नहीं है यार, कसम से। तो फिलहाल मेरी तो आपको परमिशन है, जहां तहां गाड़ी चलाओ, पहाड़ों के लिए मैं अभी दूंगा नहीं, अगर बन जाओगे ना उस टाइम बाद ना, हफ्ता 10 दिन बाद जब यहाँ गाड़ी में चलाते रहोगे तो उसके बाद पहाड़ भी जा सकते हो। बहुत बढ़िया चला रहे हैं गाड़ी, मुझे तो लग रहा है मुझे पीछे बैठ के वीडियो बनानी थी, लेकिन चलो अभी यहाँ मैं पीछे जा नहीं सकता हूँ। अरे यार फिर फंस जाऊंगा ना मैं, वही ना, वैसे भी मैं कौन से यहाँ बैठ के कुछ कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट रहे मेरे गुर संगीत, नाम ही बड़ा यूनिक है इनका, गुर संगीत। अगर ये सिंगर होते तो संगीतकार भी लग जाता, गुर संगीतकार। वाकई में बहुत गंदा ट्रैफिक है आगे, बहुत ज्यादा। हल्द्वानी 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 काशीपुर, हम तो काशीपुर जा रहे हैं। काशीपुर 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 काशीपुर, पांच सवारी हल्का भारी, 100 रुपए सवारी। नहीं यार फिलहाल भाई की प्राइवेट कार है, इनकी पर्सनल कार है, वो तो खाली एंजॉय लेने के लिए। हाँ तेल डाल लेंगे और क्या, थोड़ा बहुत दिहाड़ी खर्चा निकल जाएगा और क्या। चलो बहुत बढ़िया, तो देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे कट मार के निकलने आगे से, उन्हें लग ही नहीं रहा कोई नया गाड़ी सीख रहा है। गुड वेरी गुड, गजब यार, मजा आ गया आज तो यार।
तो दोस्तों देखिए कि किस कदर ये गाड़ी चला रहे हैं, वाकई में ही दिल खुश, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। वाहन चलाते समय ध्यान रहे हैं वातावरण का आनंद ले, देख लो किस कदर आगे जा रहे हैं। चाचा चाचा कैसे जा रहे थे आगे देखो, दिख रहा है गाड़ी जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल इन्होंने रामनगर ट्रैफिक ही पार कर दिया है, और ये भी और ट्रैफिक बहुत है फिलहाल, आज लग रहा है इन्हीं का इंतजार कर रहा रामनगर ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक तो तब नहीं हुआ है जब मैं तुमसे कह रहा था गाड़ी चली थी। बताओ यार, मैं इतनी बार इनको रामनगर ट्रैफिक अपनी कार में लेकर आया, लेकिन इतना ट्रैफिक तब नहीं लगा जितना अब लग रहा है। ऊपर बैठे तब तो नहीं लग रहा। नहीं यार, आज वाकई में ज्यादा ट्रैफिक है यार, देखो। चलो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गुड। वाकई में मुझे लग रहा है मैं रामनगर नहीं आऊंगा फिर सिखाने के लिए, बहुत ट्रैफिक हो रहा है यार। है अभी मैंने रामनगर आना सिखाने के लिए गाड़ी, दो भैया है ना और उन दोनों को रात मेरे पे फोन आया उनका, सीखने वालों का फोन आते कह तुम्हारी हाइट कितनी है, और मैंने बहुत जो सीखते ना टेबल से कह रहे हाइट कितनी है, मैंने कहा 6 फुट तो होगी, कह रहे नहीं यार एग्जैक्ट बताओ, मैंने कहा मैंने नापी नहीं, कह रहे ठीक है कल नापेंगे तुम्हारी हाइट कितनी है, मैं पता नहीं यार अभी जाऊंगा उनके पास में कहूंगा क्या बात क्या हुआ था पता नहीं यार। हाँ यार वो मुझे हाइट पूछ रहे कल यार, बताओ यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी इनकी ड्राइविंग, आपको इनकी ड्राइविंग पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना ना। तो ये ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस, हाँ देखो अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपका चलान कटना चाहिए जरूर। बढ़िया गजब, चचा जहां तहां गाड़ी रोक दे रहे हैं ये एकदम भागती गाड़ी, पिकअप बहुत हाई है ना गाड़ियों का, ये भी मेरा चेला जा रही है, ये जो टेम्पो में जा रही है साला गधा। फिर मुदार रामनगर मेरे काफी स्टूडेंट हो गए, 2-3 हजार से 4 हजार हो गए पता है, 4 स्टूडेंट होंगे मेरे। अरे मैंने चैनल तो भी बनाया ना 6 महीने पहले, 6 महीने भी कहा, 4-5 महीने पहले बनाया मैंने चैनल। अरे मेरे को नहीं आता था, एक भाई की मेहरबानी थी तो उसने मुझे यूट्यूब चलाना सिखाया, वीडियो एडिट करना सिखाया, मोबाइल से ही वीडियो एडिट करता हूँ, क्या करूँ गरीब आदमी हूँ। लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, एक सब्सक्राइब तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है यार, फिर भी काफ़ी मेहनत है यार, 4 महीने में मैंने इतनी मेहनत करी कि सब्सक्राइबर, चलो लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, यही बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कैसी लगी इनकी ड्राइविंग, आपको इनकी ड्राइविंग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।